शीर्षासन करने से क्या फायदे हैं, किस तरीके से किया जाता है और क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, इस सारी जानकारी आपको अभी मिलेगी। एक पैर ऊपर उठाओ, ऐसे उठाओ, तो आंखों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इस आसन हमेशा हमें सुबह के टाइम या शाम के टाइम खाली पेट करना चाहिए। अगर किसी के सिर का दर्द हो रखा है तो वो शीर्षासन कर ले जब तक वो कर सके। शीर्षासन करने वाले का जो चेहरा है वो ग्लो में रहेगा, चमक मारेगी उसके अंदर, खून का गाढ़ा होना ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हाय गाइस, हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद होगी बहुत बढ़िया होंगे। भगवान से प्रार्थना आप सब ठीक हों, आप ठीक रहेंगे जब भी हम ठीक रहेंगे। अभी हम थोड़ा आपको एक शीर्षासन करके बताएंगे। शीर्षासन करने से क्या फायदे हैं, किस तरीके से किया जाता है और क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको अभी मिलेगी। अब शुरू करते हैं शीर्षासन। ये एक नीचे छोटा सा गद्दा टाइप में कुछ ले लो, वैसे तो वैसे भी कर सकते हैं प्लेन में, थोड़ा रहेगा तो आसानी रहेगी। हमने ये गद्दा ले लिया है, ये हाथ इस तरीके से करने हैं ऐसे, और ये कोनिया यहाँ पर रखनी है, दोनों ऐसे खड़े हो जाओ, जिसे यहाँ पर रखो अपने हाथों में, फिर ऐसे हो जाओ, एक पैर ऊपर उठाओ, ऐसे हो जाओ। ये है तरीका शीर्षासन का। शीर्षासन ऐसे ही करते हैं। शीर्षासन हमेशा हमें सुबह के टाइम या शाम के टाइम खाली पेट करना चाहिए। जब हमारा पेट फ्रेश होकर खाली हो गया हो तभी हमें ये शीर्षासन करना चाहिए। शीर्षासन करने के कई फायदे हैं। नंबर एक, शीर्षासन करने वाले को कभी सिर में दर्द नहीं होगा। अगर हुआ है तो ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ है तो कभी तो होगा ही नहीं। शीर्षासन करने वाले का जो चेहरा है वो ग्लो में रहेगा, चमक मारेगी उसके अंदर, क्योंकि जब हम शीर्षासन करते हैं तो हमारा सारा फ्लो खून का चेहरे पे सिर में दौड़ने लगता है। जब हम खड़े खड़े रहते हैं, काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करते, बैठे रहते हैं, तो उस समय हमारे जो हार्ट है वो कुछ समय बाद, मतलब 30-35 के आसपास के बाद कमज़ोर हो जाता है थोड़ा सा, वो पंपिंग ज़्यादा टाइट नहीं कर पाता है, ताकि सिर तक ऊपर तक पहुँचे और ऊपर तक ब्लड सर्कुलेशन जब भी पहुँचेगा जब हमारा बीपी बढ़िया रहेगा, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, हार्ट पंपिंग ठीक करेगा, खून का दौर सही रहेगा, तभी हमारा ब्लड जो है वो ऊपर तक सारे शरीर में पहुँचेगा। लेकिन खान पान की वजह से बीपी में बड़ी दिक्कत आती है, खून का गाढ़ा होना ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो शीर्षासन करने वाले के सिर में दर्द कभी नहीं होगा, क्योंकि सभी नसों में खून पूरी तरीके से, हर खाना जो दिमाग की नसें यूज करती हैं, ऑक्सीजन वगैरह जो भी है ब्लड के लिए, वो सब उनको मिलता रहता है। नंबर दो, ग्लो रहेगा चेहरे पे बढ़िया, हर नशे जो मसल्स हैं सारी मांसपेशियां सबको अच्छा भोजन मिलता रहेगा, ब्लड चलता रहेगा तो ग्लो रहेगा। और आँख ऐसे ऐसे घुमाएं जब शीर्षासन करें चारों तरफ को ऐसे, इससे क्या होगा हमारी आँखों की जो एक्सरसाइज है वो भी होगी और खून का दौर जो कमज़ोर नसें हो गई थी वो भी, जब उनमें खून जाएगा उनको खाना मिलेगा तो वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये शीर्षासन। शीर्षासन करने से हमारा मतलब शरीर का जो मेन हिस्सा है गर्दन से ऊपर वाला, समझ लो कि वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया। तो शीर्षासन सभी को करना चाहिए। अगर किसी के सिर का दर्द हो रखा है तो वो शीर्षासन कर ले जब तक वो कर सके।
तो इसमें आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा, उसका सिर का दर्द ख़त्म हो जाएगा, हल्का बहुत तो ख़त्म हो ही जाएगा, और जब दूसरी बार करेगा तो फिनिश हो जाएगा। शीर्षासन करने से सिर का दर्द अगर हो रखा है और आप करते नहीं हो तो दो या तीन, मैक्सिमम तीन बार करोगे तो तीन बार में सिर का दर्द हमेशा अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप कंटिन्यू करते रहोगे तो ये अपनी एक लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना लो। शीर्षासन, शीर्षासन लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन जाएगा आपकी का, तो आपको जो गर्दन से ऊपर वाले थोड़ा मतलब कि शिकायत होती है किसी भी चीज़ की, वो ख़त्म हो जाएगी। आँखों का तौर जो होता है आई साइड, वो स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी। जिसको चश्मा चढ़ा है धीरे धीरे वो भी उतर जाएगा, धीरे धीरे उतरेगा, ऐसा नहीं है एक साथ उतरेगा। और बाकी जिसको नहीं चढ़ा है उसको कभी चढ़ेगा नहीं। दाढ़, दांत, चेहरा, सिर, बाल, बाल भी नहीं चढ़ेंगे क्योंकि बालों को पूरा पोषण मिलेगा। तो इसलिए शीर्षासन बहुत ज़रूरी है, सभी शीर्षासन करें, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद, नहाने से पहले या नहाने के बाद कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश होने के बाद एक बार जरूर करें, चाहे एक मिनट करें, दो मिनट करें, तीन मिनट करें। खुद ना कर सकें तो किसी के द्वारा अपने पैरों को पकड़ के ऐसे खड़े हो जाए ऊपर। लेकिन ये ध्यान रखें थोड़ा सा कि वजन जो है वो कुहनियों पर रहना चाहिए। जिसका वजन ज़्यादा है वो ना कर पाए तो सबसे पहले वजन कम करें, और वजन कम करने के लिए जो मेरा फार्मूला है, जो मैं डाइट लेता हूँ वो आपको बताइए, वही डाइट ले, वही डाइट एक महीने में कम से कम 10 किलो वजन कम करेगी। जिसका ज़्यादा फैट बढ़ा हुआ है 12 भी कर सकती है, 8 भी कर सकती है, लेकिन बहुत बढ़िया करेगी। और दो या तीन महीने में आप लगभग जो आपके एक्स्ट्रा फैट था वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। बाद में धीरे धीरे कम होगा, लेकिन शुरुआत में बहुत फास्ट तरीके से कम होगा। तो अभी हम आपको डाइट पर लेके चलेंगे, जो मैं डाइट लेता हूँ। अभी हम डाइट लेंगे तो अभी हम शीर्षासन काफ़ी देर हो चुकी है, अभी आते हैं वापस। तो ऐसे कर देंगे, ये धीरे 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 पैर यहाँ रखेंगे, कुछ देर ऐसे रहेंगे कुछ पल, उसके बाद हमें बैठ जाना है, लंबी लंबी सांस लेनी है। शीर्षासन करने से हमारा साइनस भी ठीक रहता है। साइनस मतलब जहाँ पे ये ऐसे एक होल होता है, वहीं से साइनस से ही हमारा जो माइंड है वो भोजन अपना ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ लेता है। तो आप शीर्षासन अपनी लाइफ का एक हिस्सा ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और खाने संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल ए टू जेड वैदिक ज्ञान की प्लेलिस्ट स्वास्थ्य जीवन, स्वास्थ्य जीवन के अंदर जो वीडियो हैं आप उनको देखें, बहुत बढ़िया वीडियो आपके फायदेमंद होगी। सब्सक्राइब जरूर।